आप यकीन मानो दोस्तों, दुकान वालों से ज़्यादा अच्छी आप डिस्प्ले लगा लोगे अगर आप इस तरीके से डिस्प्ले लगाएंगे तो। बहुत सारी दुकान वाले हैं ना, उनको पता भी नहीं होता डिस्प्ले लगाई कैसे जाती है, मगर खोल के बैठ जाते हैं दुकान कि भैया मोबाइल रिपेयर करा लो। कई बंदों को मैं देखता हूँ ना, कई किसी किसी दुकान पर उन्हें सेट खोलना नहीं आता, मगर वो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपको मैं रियलमी 8i में डिस्प्ले डालनी बताऊंगा। बेसिकली मैं ये चीज बताना चाहता हूं इस वीडियो में कि जिस फोन के ढक्कन पीछे से आराम से नहीं खुलते ना, जैसे पेस्टिंग वाला ढक्कन होता है किसी का, मैं आपको इजी तरीके से समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। इसका जो बैक कवर है ना, वो इजिली नहीं खुलता है, ये किसी लिक्विड के द्वारा खुलता है। आप वीडियो देखते रहना कैसे इसको खोलना है। आपको जरूरत पड़ेगी थोड़े से पेट्रोल की, बस पेट्रोल निकाल लेना बाइक में से या गाड़ी में से, थोड़ा सा पेट्रोल निकाल लेना, सीसी में निकाल लेना, उसके बाद उसमें यहाँ पे छेद कर लेना ताकि एक एक बूंद उसकी निकले। और एक प्लास्टिक का आपको कार्ड टाइप का कुछ चाहिए होगा इस तरीके, थोड़ा टाइट हो, बस उसका बैक कवर आज खोलना बताता हूँ। बहुत सारे बंदे मुझे कमेंट करके पूछते हैं, भाई मेरा तो बैक कवर खुल ही नहीं रहा, भाई देखो ऐसे खुलता है। और डिस्प्ले चेंज करनी है आपको बताऊँ, भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है कि दुकान वाले डिस्प्ले डाल सकता, आप खुद से भी डाल सकते हो, घर पे आराम से बैठ के डाल सकते हो। 10 से 15 मिनट की वीडियो देखना, चीज रह जाए तो देखिए, एक तरफ से ना ऐसे प्लास्टिक के कार्ड को अंदर डाल दीजिए, चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइट पड़ेगा ना जहाँ से, वहाँ पे आपको पेट्रोल देखो इस तरीके से यूज़ करना है, भाई स्टेप बाय स्टेप देखना। एक बार सीख जाओगे सारी ज़िंदगी नहीं भूलोगे, आप अपने भी और रिश्तेदारों के फ़ोन भी ठीक कर दोगे। तरीके से एक बूंद डाल देनी है बस आपको। पेट्रोल से क्या होता है कि इसकी गमिंग होती है ना बैक कवर की, वो छूटने लगेगी, ठीक है। और इस तरीके से आप इसको एक एक दो दो बूंद डालना, बस ज़्यादा मत डालना, वैसे प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी। पीछे कवर लगा है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी, है ना। ये देखिए खुल गया रियलमी 8i का बैक कवर, ठीक है, बिना किसी नुकसान के। इतनी मैंने पन्नी डाली थी ना, देखो इतनी से इतनी इतनी डाल रहा था, समझने की कोशिश कीजिए, इतनी इतनी पन्नी डाल रहा था, इससे ज़्यादा अंदर नहीं डालनी है, बस इतनी इतनी डालनी है कि ताकि ये साइड साइड में गमिंग होती है। एक पेस्ट लगाया जाता है साइड में चिपकाने के लिए, पेस्ट को काटना था, बस हमने आराम से कर दिया। ये डिस्प्ले अगर खुद ही डाल लोगे ना घर पे तो भाई ज़्यादा अच्छी डाल लोगे, दुकान पे जाओगे आपको 100 तरह की कहानियां बता देगा। आजकल इतने सारे तो नहीं गए, अगर कुछ लोग ऐसे हो गए हैं भाई साहब कि खाली डिस्प्ले डालने के लिए आप फ़ोन दोगे ना, तो वो आपके फ़ोन में कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी करेगा जरूर कि इससे एक्स्ट्रा पैसे कमाए जाए। और आजकल इस लाइन में ऐसा ही हो रहा है भाई, इतने डाकू बैठ गए हैं कि इनकी वजह से है ना, जो काम करने वाले बंदे होते हैं ना वो भी बदनाम हो जाते हैं। देखिए मैं मान लीजिए अगर इस फ़ोन को इसके डिस्प्ले डालने के लिए पैसे ले रहा हूँ, तो जितने की डिस्प्ले आई उससे अलग अपने पैसे रख लूँगा, 200-300 रुपये जो मुझे रखने हो। मगर ये नहीं होना चाहिए कि इधर का उधर की बैटरी चेंज कर दो, उसका ये काम कर दो, तो ये बहुत गलत है। आजकल बहुत केस सुनने को आ रहे हैं, ट्विटर पे भरा पड़ा भाई ऐसा केस, मैंने ये करने के लिए दिया था। बल्कि मैं तो अपने व्यूअर्स की बात करूँगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में इतनी ज़्यादा कमेंट भरी पड़ी है कि भाई मैंने 2000 रुपये दे दिए, उसके बाद भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई, एक चीज़ करने को दी थी दो चीज़ ख़राब कर दी। तो ये काम जो है जानबूझ के किया जाता है। आज आप है ना डिस्प्ले डालनी सीख लीजिए, बस 10 मिनट देख लीजिए वीडियो को, आपको तसल्ली हो जाएगी कि आप खुद से डाल सकते हैं डिस्प्ले। अब ये खोलने के बाद ना आपको ये बैक कवर खोलना है ऐसे नाखून की मदद से, है ना। जैसे मैं खोल रहा हूँ बस वैसे ही खोलना, उतना ही हाथ लगाना जितना मैं लगा रहा हूँ। अच्छा, इसमें इसका ये बैक गिलास है ना, ये कैमरे वाला गिलास, ये उठेगा, देखो ऐसे निकलेगा ये। धीरे धीरे इसको उठाना, बस धीरे धीरे, है ना, उठ जाएगा ये, उठ गया। अब इसके नीचे भी स्क्रू है हमारे। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ मोबाइल रिपेयर वाले हैं ना, मुझे कुछ गलत बोलने की कोशिश करेंगे, वो कहेंगे भाई तू ही ज़्यादा वो है, हरिश्चंद्र है ना, बहुत सारे बंदे ऐसे बोलेंगे। तो भाई उनकी जानकारी के लिए एक बात बता देता हूँ कि देखिए खोलने के बाद है ना, कई बंदे ऐसा करते हैं दुकान वाले कि इसका ये भी ख़राब है वो भी ख़राब है, तो ऐसे में पता क्या होता है, कस्टमर कट जाएगा भाई आपका, वो एक बार दुकान पे तो आ गया दोबारा नहीं आएगा भाई। और उसकी वजह से फिर बंदे ये बोलने लग जाते हैं कि काम नहीं रहा मार्केट में। भाई मार्केट में काम बहुत है, तुम्हें काम करना नहीं आया, तुमने बेईमानी सीखी है बस, तो बेईमानी से काम करेंगे तो भाई काम नहीं रहेगा। तो देखिए एक बात आपको ऐसी बताता हूँ कि आपके तन बदन में आग लगा देगी। मेरे पास है ना ऐसे कस्टमर हैं कि फ़ोन लेके आ जाते हैं ठीक कराने के लिए, भाई पैसे नहीं पूछते, तो ये भरोसा जीत रखा है मैंने पब्लिक का, अपने आम जनता का ये भरोसा जीत रखा है इस चीज़ में कि पैसे नहीं पूछते कस्टमर के। मैं कितने ही मांग लूँ वो मना नहीं कर सकते, करेंगे भी नहीं, मगर ऐसा मैं करता नहीं, उनको पता इस चीज़ का ये बंदा मांगेगा नहीं। तो भाई आप भी ऐसा किया करो, मैं कोई अपनी वहाँ बड़ा ही नहीं कर रहा। बहुत सारे बंदे ना रिपेयर वाले कहते हैं कि भाई फिर खर्चा कैसे चलेगा, इतनी दुकान का किराया कैसे निकलेगा, तो भाई अगर ईमानदारी से काम करोगे ना तो आपके पास काम भी ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। और आप गलत काम करोगे तो दिन में एक दो काम करोगे बस, एक दो डिस्प्ले चेंज करने के बाद आपने अगर मांग लिया 1000-1500 रुपये फालतू, तो भाई फिर वो कस्टमर तो चला ही जाएगा, अगली बार से कोई नहीं आएगा, और फिर आप सारे दिन खाली भी बैठोगे। अब ये डिस्प्ले तो देखो टूटी हुई है, डिस्प्ले को निकालना कैसे, टूटी हुई डिस्प्ले कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे मर्जी निकाल लो इसको। देखिए इसमें एक गलती कर रखी है, ये डिस्प्ले पहले भी चेंज करा रखी है कस्टमर ने कहीं से, इसकी देखो स्पीकर की जाली निकाल रखी है,
मैं जो बातें करता हूँ ना वीडियोस में, हवा में बातें नहीं करता कि बंदे सामान निकाल देते हैं, ये चीज़ें रियल में होती हैं। देखो इसकी स्पीकर की जाली इसलिए निकाल दी गई ताकि यहाँ से ना मट्टी घुसे और इसके कैमरे के अंदर चली जाए और फोल्डर के अंदर भी दिक्कत आनी शुरू हो जाए। ये जानबूझ के निकाल देते हैं बहुत सारे बंदे, फिर कस्टमर दोबारा बार बार चक्कर मारता रहेगा। काम करने के लिए है ना सारे बंदे जानबूझ के ऐसा काम करते हैं, तो ये गलत है। मैं इसी को गलत बोलता हूँ बस कि भाई अगर आपने जिस भी काम के लिए फ़ोन लिया है ना, आप उसी काम को करो बस। देखो इस तरीके से इसके डिस्प्ले निकाल लेना। अब ये जिस बंदे ने लगाई थी ना, देखो उसने बीच में भी पेस्ट डाल रखा है यहाँ पे, है ना। तो ये होते हैं अनाड़ी बंदों के काम। ये है रियलमी 8i की डिस्प्ले और इसकी डिस्प्ले कितने की आती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला काम आपको देखिए क्या करना है, साइड में है ना गम लगा हुआ है, गम मतलब आप समझ गए होंगे पेस्ट लगा हुआ है। इस पेस्ट को इस तरीके से आप साफ़ कर लीजिए, बस ऐसे इसको साफ़ कर लेना, चारों तरफ से चमका लो। टेंशन मत लेना, कुछ नहीं होने वाला। अगर आप घर पे खुद से कर रहे हो ना, बड़े प्यार से हो जाएगा, कुछ कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। कोई फोन में कुछ हो जाएगा भाई, फोन में कुछ नहीं होगा। आप करोगे तो और दूसरा बंदा करेगा ना तो जरूर कर देगा इसमें जानबूझ के। आजकल मार्केट में ना बहुत सारे बंदे ऐसे बैठे हैं, मैंने देखे भी हैं ऐसे कि अगर कोई बंदा डिस्प्ले के लिए फ़ोन दे देता है ना ठीक करने के लिए कि भैया डिस्प्ले डाल दो, वो बंदा उसके स्पीकर भी चेंज कर देगा, ये वाले ये रिंगर भी चेंज कर देगा। उसके बाद कस्टमर जब लेके जाएगा एक दो दिन में, उसे ज़रूरत पड़ेगी गाने वगैरह सुनने की तो वो फटी फटी आवाज़ आएगी। उसके बाद फिर दुकान पे आता है, फिर दोबारा से पैसे कि भाई तेरा रिंगर ख़राब होगा, मैं इसमें क्या करूं, मैंने डिस्प्ले डाली है बस। तो अगर आप खुद से भी ना कर पाए ना, तो एक और सावधानी आपको बता देता हूँ कि आप है ना जैसे किसी दुकान पे जाओ ना डिस्प्ले वगैरह डालना, अपने सामने करवाओ, बैठ जाओ वहाँ पे, भाई मैं नहीं जा रहा तू मेरे सामने कर। अगर वो बंदा काम करने वाला होगा ना तो आपके सामने काम कर देगा, अगर उसे ईमानदारी से काम करना होगा। और अगर उसे ईमानदारी से काम नहीं करना होगा ना, तो वो आपको टाइम दे देगा कि भाई आधा घंटा एक घंटे बाद आ जाइए। तो इसका मतलब पक्का कोई ना कोई झोल झाल है। वो आधे एक घंटा क्यों मांग रहा है, किसी और काम को करने के लिए आपसे आधा एक घंटा मांग रहा है। चलिए ठीक है, मैं इसको जल्दी से साफ कर देता हूँ। अब दोस्तों इसमें डिस्प्ले डाल देता हूँ जल्दी से। देखिए आपको बताता हूँ कितना आसान है डिस्प्ले का डालना। ये है रियलमी 8i की डिस्प्ले, ठीक है। अब ये डिस्प्ले कितने की आई है इसका प्राइस भी मैं आपको वीडियोस में बताता हूँ, बस थोड़ी देर रुकिए। सबसे पहले ना डिस्प्ले को तैयार कर लेना इसमें लगाने के लिए। दुकान वाला अक्सर ये काम नहीं करता कि उसको तैयार नहीं करता, डिस्प्ले को ऐसे के ऐसे लगा देता उसमें, उससे भाई प्रॉब्लम आ जाती है फिर जल्दी ही। इसके जो स्टिकर वगैरह होते हैं ना, जो भी कंपनी ने दे रखे, ये हटाने होते हैं। बस अब इसको हम रख देते हैं साइड में। अब हमको इस पर लगाना है पेस्ट, और पेस्ट कौन सा आपको लेना है, आप स्टेशनरी की दुकान से या किसी हार्डवेयर की दुकान से ना सिलोचंद ले लेना। अभी बॉन्ड के नाम से भी एक ट्यूब आती है, वो लगा लेना ज़्यादा बेटर है। और इसमें एल्फी का यूज़ बिल्कुल मत करना, फेविक्विक का यूज़ बिल्कुल मत करना इसमें, वो नहीं लगानी होती। अब इसकी किनारियों पर लगा देते हैं। तो यहाँ पे ना सेंसर होते हैं दो, ये दो छेद है ना, ये सेंसर है। अगर इन पर पेस्ट लग जाएगा ना, तो फिर आपका है ना पोलिंग के समय आपकी लाइट बंद हो जाए, लाइट बंद हो गई फिर वो लाइट आएगी नहीं वापस। आपको बस ये सबसे ऊपर पेस्ट लगाना है किनारी किनारी पे, पतली धार बना के पेस्ट लगा देना बस। कोई चीज़ ना समझ में आए ना तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पहले वीडियो अच्छी तरह देख लेना, उसके बाद लगाने बैठना अपने फ़ोन की डिस्प्ले। आराम से लगा लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। और यकीन मानना दोस्तों, आप दुकान वाले से भी अच्छी तरीके से डिस्प्ले लगा दोगे अपने फ़ोन की, क्योंकि मैं इतना आसान तरीका है आपको बता रहा हूँ। इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हवा मचाए रखते हैं बहुत सारे बंदे कि अपने आप से डिस्प्ले नहीं लगा सकते, दुकान वाले आपको डराते हैं इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। पेस्ट हमारा लग गया, अब हम इसमें फोल्डर को पुट कर देंगे। फोल्डर का जो प्राइस है ना, वो है हमारा 850 रुपये, 800 से 850 के बीच में ये फोल्डर मिल जाता है हमारा। अब ये पीछे से ये पत्ता है ना इसका, ये हमें कनेक्ट करना, जैसे हमने पहले हटाया था ना वैसे ही आपको कनेक्ट भी करना है। अब ये इस तरीके से इसको पत्ते को यहाँ ऐसे चिपका के रख देनी है बैटरी। अब ये पहले जिस बंदे ने डिस्प्ले वगैरह कुछ डाली थी ना, तो इसकी बीच की पन्नी हटा के फेंक दी उसने। बस यही काम आते हैं ज़्यादातर लोगों को कि बस पब्लिक को परेशान करो, कस्टमर को दोबारा आए बार बार। अब ये बैटरी रखने के बाद है ना, आपको इसका बैक कवर का ये ढक्कन रखना है, इसका पत्ता लगा देना भाई याद करके। ये सेंसर का पत्ता है, फिंगरप्रिंट सेंसर होता है ना उसका पत्ता है। इसे मैंने खोलना आपको बताया है ना, ये ऐसे इसका सेंसर का पत्ता लग जाएगा, फिंगरप्रिंट सेंसर का। साइड माउंटेड सेंसर है ना, इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट लगा हुआ है ना, इसका पत्ता है वो, याद करके लगा देना। उसके बाद इसको हल्के हाथ से कट कट करके ना ये अपने आप ही बंद हो जाएगा भाई बिंदास। देखो ऐसे डिस्प्ले पे जोर मत डालना, बस पीछे की तरफ से जोर लगाना है। डिस्प्ले पे आपको लग रहा होगा मेरे अंगूठे, मगर मैं अंगूठे से जोर नहीं डालता डिस्प्ले पे। ये ऐसे हो जाएगा बंद, अपने आप लॉक लग जाते हैं इसके प्रॉपर, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब इसमें आप स्क्रू ड्राइवर से की सिलाई कर दो, जितने भी नट दे रखे ना सारे लगा दो।
और जैसे कि ये रियलमी 8i है, आपके पास अगर रेडमी नोट 7 प्रो हो या फिर और भी कोई जिसका बैक कवर गमिंग वाला होता है या ग्लास वाला होता है, इसी तरीके से हटेगा जैसे मैंने इसका बैक कवर हटाया था। वीडियो को पीछे करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा, आराम से हटा सकते हो। और आपके पास है ना कोई भी मॉडल हो जिसकी भी डिस्प्ले आपको डालनी हो ना, बस मॉडल नंबर लिख के आप लिख दीजिए कि डिस्प्ले चेंज, और आगे लिख देना मेरे चैनल का नाम टेक्निकल बिट्टू फ़ोन, के सामने वीडियो आ जाएगी मेरी उसी मॉडल की, ठीक है। वो सारी वीडियो बना रखी है आपके भाई ने। अब इस कैमरे ग्लास को हम लगा देंगे ऐसे ही, ये ऐसे ही रख जाता है, अपने आप चिपक जाएगा ऐसा, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब इसमें ढक्कन है ना, इस पे जो एक्स्ट्रा पेस्ट लगा होगा, यहाँ से भी जो मोटा मोटा पेस्ट होगा उसको हम हटा देंगे। इसका ढक्कन आप इस तरीके से रख दीजिए, बिंदास काम हो गया। आपको एक काम करना है बस, लास्ट जो करना है वो ये है कि हमें चाहिए होंगी 7-8 रबड़ बैंड ऐसे वाले ना, बस ये हमें लगानी है, ऐसे लगा देना। और रबड़ ज़्यादा टाइट ना लगाएं, हल्की हल्की रबड़ आपको लगानी है बस। अब मैं इसे ऑन कर देता हूँ एक बार, जब तक ये ऑन होगा जब तक हम रबड़ मार देंगे। बस इसकी रियलमी 8i की डिस्प्ले हमारी लग के तैयार है। बस इतना सा काम होता है डिस्प्ले लगाने का, उसके बाद आप इसको एक घंटा रबड़ लगा के रखिए, उसके बाद बिंदास यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यकीन मानो दोस्तों, दुकान वालों से ज़्यादा अच्छी आप डिस्प्ले लगा लोगे अगर आप इस तरीके से डिस्प्ले लगाएंगे तो। बहुत सारी दुकान वाले हैं ना, उनको पता भी नहीं होता डिस्प्ले लगाई कैसे जाती है, मगर खोल के बैठ जाते हैं दुकान कि भैया मोबाइल रिपेयर करा लो। कई बंदों को मैं देखता हूँ ना, कई किसी दुकान पर उन्हें सेट खोलना नहीं आता, मगर वो डिस्प्ले लगा दे डिस्प्ले लगाने की सोचते हैं कि भाई फ़ोन में डिस्प्ले लगा दूँ, और उसके चक्कर में अलग अलग काम। चलिए ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।